हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे साबूदाने की ऐसी रेसिपी। आपको साबूदाने को घंटों के लिए फुलाना नहीं पड़ेगा और झटपट से बनाएं ये साबूदाने की रेसिपी। यहाँ पर हम लेंगे एक कटोरी साबूदाना और इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने से इसका स्टार्च निकल जाता है। अक्सर हम साबूदाने को फुलाना भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या बनाएं कैसे बनाएं, इसलिए मैं ये आपके लिए खास के वीडियो लाई हूँ जिससे साबूदाना आपको फुलाना नहीं पड़ेगा। और इसे हम एक छलनी में छान लेंगे, इसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब इसे हम वापस से उसी बर्तन में लौट लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखिए, स्किप करके ना देखें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पे मैंने 4 बॉयल आलू लिए हैं, आप चाहें तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बॉयल आलू लिए हैं जिससे अच्छे से हमारी टिक्की सॉफ्ट बन सके। और आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरी मिर्च, हरा धनिया, व्रत वाला सेंधा नमक। अगर आप नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम हाथों से मिक्स करेंगे, साबूदाने को और आलू को हम अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो सके टिक्की बनने लायक। इधर हम 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। वापस से हम इसको चेक करेंगे। देखिए अच्छे से फूल चुका है साबूदाना आलू के साथ। अब हम थोड़ा सा हाथों पर लगाएंगे ऑयल और इसकी बनाएंगे हम गोल गोल टिक्किया। आप जो भी ऑयल खाते हो उस ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मूंगफली का ऑयल है, हम इसे गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे। इसी तरह से हम सारी टिक्की बनाकर एक प्लेट में रख लेंगे। देखिए आपको बिल्कुल भी साबूदाना फुलाने की टेंशन नहीं होगी और आप झटपट से व्रत में ये टिक्की बनाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी टिक्की वाली शेप दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिए। देखिए हमने सारी टिक्की बनाकर रख ली हैं। चलिए अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। यहाँ पर हम पैन लेंगे एक, उसमें हम थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। ऑयल को गर्म होने देंगे, इसे मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं करेंगे। अब टिक्की को हम एक एक करके ऑयल में डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई होने देंगे। ये आप व्रत में एक बार बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी क्रिस्पी लगती हैं खाने में। इसे हम अलटते पलटते हुए ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को पूरा ही देखिए, स्किप करके ना देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट से मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में कौन सी लाऊँ। आप चाहें तो इसे कलछी से भी पलट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको चम्मच से पलट रही हूँ। चम्मच से पलटने में ज़्यादा आसानी हो रही है। लीजिए हमारी टिक्की अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। इसे हम निकालेंगे एक प्लेट में, अच्छे से निचोड़ लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देखिए लग रही है ना एकदम क्रिस्पी और क्रिंची क्रिंची साबूदाने की टिक्की। आप बना के झटपट से इसे खा सकते हैं। इसी तरह से हम सारी टिक्कियों को निकाल लेंगे और बाकी बची हुई जो टिक्की है हमारी वापस से उसी ऑयल में फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे और इसे भी हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लीजिए हमारी टिक्की बनके तैयार है। इसे आप दही के साथ खा सकते हैं। खाने में तो ये लाजवाब बहुत टेस्टी बनी थी।
आप ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए मैं इसे दिखाती हूँ आपको, बहुत ही क्रिस्पी बनी है ये टिक्की, बिना फुलाए ही साबूदाने की टिक्की हमने बनाई है। चलिए इसे मैं दिखाती हूँ आपको तोड़कर, खाने में बहुत टेस्टी। देखिए कितने अच्छे से हमारी टिक्की बन चुकी है और बिल्कुल फूली फूली बनी है। इसे आप दही के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फास्ट। चलिए फ्रेंड मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।